सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चावल के आटे और आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। इसे पोटैटो बाइट भी कहा जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पे हम गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिए हैं। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं। तो इस तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 लहसुन की कली ले लिए हैं, उसको हम बारीक कट कर लिए हैं। तब हम इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं, तब हम इसमें बाकी की सामान डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं लहसुन जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसे कूटी हुई लाल मिर्च भी कहा जाता है। तो हम इसको इसमें डाल देंगे। अगर आप ये नहीं है आपके पास तो आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पकने देंगे जीरा को। देखिए इस तरीके से मिक्स कर देंगे, 1/2 मिनट में पक जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सब जीरा लहसुन और कूटी हुई लाल मिर्च पक चुका है। तो अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल दिए हैं, ये देखिए, और पानी को मिक्स कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जब इसमें उबाल आ जाएगा तब इसमें चावल का आटा डालेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी जो है बॉयल हो चुका है। तो अब इसमें चावल का आटा डालेंगे। तो जिस कटोरी से हम पानी लिए थे उसी कटोरी से 1 कटोरी चावल का आटा भी डाल रहे हैं। आप जितना चावल का आटा लें उतना ही पानी भी लें, ज़्यादा कम नहीं करना है इसमें। जैसे 1 कटोरी चावल का आटा लेना है तो 1 कटोरी ही पानी भी लेना है। आप चावल के आटा के जगह पे सूजी का भी यूज कर सकते हैं। तो चावल का आटा को हम इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस के फ्लेम को एकदम लो रखना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं चावल का आटा जो है पानी पूरा सोख लिया है। तो अब हम गैस को फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं और इसको आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे, तब ठंडा करेंगे, तब हम इसमें आलू मिक्स करेंगे। तो ये देखिए एक बाउल ले लिए हैं, उसमें हम इस चावल के आटे के मिक्सचर को डाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए ये हाथ से नहीं अच्छे से मिक्स हो पाएगा, इसलिए इसको ठंडा होने देते हैं। तब हम इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको इस तरीके से 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, तब हम इसमें आलू मिक्स करेंगे। चावल के आटे का मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल किया हुआ आलू मिक्स करेंगे। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू को हम बॉयल करके छिलका हटा के उसको कद्दूकस कर लिए हैं और उसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे, इसमें कॉर्न स्टार्च डालना है, 2 चम्मच हम इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर 2 चम्मच मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसमें 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल देते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये देखिए 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना है, इसको इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी इसमें अगर आप चाहें तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं पर ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो इसके लिए हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ताकि हाथों में ये चिपके नहीं और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। ये देखिए हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से इसका डो तैयार करेंगे। अब देख सकते हैं पोटैटो बाइट का जो डो है वो बन के तैयार है। तो अब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिए हैं ताकि ये हाथों में चिपके नहीं, तो हम इसको 3 पार्ट में इस तरीके से 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा लेंगे और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तब हम इसको रोल करेंगे और इसका पोटैटो बाइट बनाएंगे। तो ये देखिए 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से हाथों से रोल करेंगे और तब हम एक चकला ले लिए हैं, आप चाहे तो इसको चॉपिंग बोर्ड पे भी रोल कर सकते हैं। तो इसको हम एक भाग लेंगे इसका एक पार्ट और इसको इस तरीके से रोल करना है और हाथों में तेल लगा लें ताकि ये हाथों में चिपके नहीं। तो ये देखिए ये चकला जो है थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो इसको भी हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए 1/2 हम इसका हटा दिए हैं और 1/2 को हम इस तरीके से रोल करेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, आपको हम दिखाते हैं इसको कितना पतला और कितना मोटा रखना है। तो ये देखिए बस इतना ही आपको मोटा रखना है, ज़्यादा ना मोटा रहे और ना ही ज़्यादा पतला रहे। तो इस तरीके से करके और अब हम इसके बाइट को कट कर लेंगे। तो अच्छे से रोल कर दिए हैं और इसके इक्वल बाइट को कट कर लेंगे इक्वल शेप में। देखिए इस तरीके से चाकू से हम इसको कट कर लेते हैं।
एकदम इक्वल शेप होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको कट करके, और उसके बाद सभी पोटैटो बाइट को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे, तब हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको आपको कट करके दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम इक्वल पार्ट में हम इसको कट कर लिए हैं, और उसका इसका थोड़ा सा शेप बिगड़ गया है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से थोड़ा सा हाथों उंगली की मदद से इसको शेप में ला देंगे, और इसी तरीके से सारे पोटैटो बाइट को तैयार कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सारे पोटैटो बाइट बन के तैयार है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। पोटैटो बाइट को फ्राई करने के लिए तेल को हम पहले ही से गर्म होने के लिए डाल दिए थे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएं ताकि ये अच्छे से अंदर तक पके। तो मीडियम करके हम इसमें पोटैटो बाइट्स डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो एक बार में सभी बाइट को हम नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि एक बार में तेल में नहीं हो पाएगा फ्राई। तो दो बार में हम इसको फ्राई करेंगे। तो आधा अभी डाल दिए हैं, आधा हम दोबारा में फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से इस तरीके से हिला देते हैं, और इसको आधा मिनट पकने देते हैं। तब हम इसको पलटेंगे और चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हल्का कलर चेंज हो जाएगा, तब ये हो जाएगा। बस 3 से 4 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है, ये फ्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आधा मिनट हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसको पलट देते हैं ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो और अच्छे से पके। ये देखिए इस तरीके से पलट के हम इसको फ्राई कर लेते हैं, और तब हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पोटैटो बाइट बनके तैयार है। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको पकने में 3 से 4 मिनट लग गया है। तो अब हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे तेल में से। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और बाकी बचे हुए बाइट्स को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पोटैटो बाइट बनके तैयार है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं, या फिर शाम के टाइम में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगेगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊँगी, तब तक के लिए बाय।